क्या आपको पता है कि भारत में डायबिटीज के कुल 7 करोड़ से भी ज्यादा पेशेंट हैं और ये डायबिटीज होने का मुख्य कारण हमारे शरीर में इंसुलिन के बैलेंस का बिगड़ जाना है और ये इंसुलिन बनाने का काम करता है हमारा ये पैनक्रियाज यानी हमारा अग्नाशय। अब जब मैंने आपको ये बता दिया है कि अग्नाशय इंसुलिन बनाता है तो आपके मन में ये जिज्ञासा तो आएगी ही कि ये हमारा अग्नाशय यानी पैनक्रियाज काम कैसे करता है और इसका काम क्या केवल इंसुलिन को बनाना ही है या कुछ और काम भी है इसका। चलिए आज आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप लाइक जरूर करना। पैनक्रियाज एक पिंकिश ऑरेंज रंग का हमारे स्टमक के पीछे लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा एक लोबुलर ग्लैंड होता है और वजन की बात करें तो पैनक्रियाज वजन में 120 से 145 ग्राम तक होता है। देखिए पैनक्रियाज में ब्लड सप्लाई स्प्लीन से आने वाले स्प्लेनिक आर्टरी से होती है जो कि कई सारे ब्रांच में बंटकर पैनक्रियाज के हर एक सेल को ब्लड प्रोवाइड करवाता है। जब हम इस पैनक्रियाज को स्लाइस करके यानी काट कर देखेंगे तो हम पाएंगे कि पैनक्रियाज के बीच में बिल्कुल पेड़ की एक शाखा की तरह पत्तियों की जाल की तरह एक संरचना होती है और उसके चारों ओर कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स घिरे रहते हैं। एक बार इस संरचना को आप ध्यान से देख लीजिए। जब हम इस संरचना को जो कि एक टहनी में पत्तियों की शाखा की तरह है अग्नाशय में उसे देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसके बीच में एक डक्ट है जो कि सीधे छोटी आंत में जाकर मिल जाता है और इस डक्ट के चारों ओर पत्ती जैसी संरचना वाली जो चीज आपको दिख रही है वो है एसिनर सेल जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए जब भी हम भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद जब यह भोजन स्टमक से छोटी आंत की तरफ पास होता है तब हमारा स्टमक एक गैस्ट्रिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है जो कि पैनक्रियाज में मौजूद इन एसिनर सेल को स्टिमुलेट कर देता है और इसके बाद एसिनर सेल उस भोजन को पचाने के लिए कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम बनाना शुरू कर देता है। डाइजेस्टिव एंजाइम बनते हुए यह इस एसिनर सेल से लगे हुए डक्ट में चले जाते हैं जहां पर डक्ट के दीवार पर सेंट्रो एसिनर सेल बाइकार्बोनेट को रिलीज करते हैं। ये बाइकार्बोनेट नेचर में अल्कलाइन होता है यानी क्षारी प्रकृति के होते हैं। देखिए स्टमक में जो फूड आता है उसमें एसिड मिला रहता है जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ही बॉडी में बाइकार्बोनेट बनता है। यही डाइजेस्टिव एंजाइम और बाइकार्बोनेट आपस में मिलकर अब पैनक्रियाटिक जूस बन जाते हैं और पैनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए छोटी आंत में जाकर मिल जाते हैं। पर ध्यान रहे जब यह छोटी आंत में मिलने ही वाले होते हैं तभी इससे गॉल ब्लैडर से आते हुए बाइल डक्ट भी आकर जुड़ जाती है जहां से ये बाइल जूस भी छोटी आंत में आकर गिरता है। दोनों डक्ट जब आपस में मिल जाते हैं तो इसे कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के नाम से जाना जाता है। अग्नाशय से निकलने वाले ये जूस जब छोटी आंत में हमारे फूड के साथ मिल जाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड्स को ब्रेक डाउन करके उन्हें हमारे शरीर में अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। पैनक्रियास के इसी गुण के कारण जो कि वो पैनक्रियाटिक जूस डक्ट के थ्रू छोटी आंत में सिक्रेट करता है इस कारण से इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो अपना सिक्रेशन डक्ट के थ्रू करते हैं। अब देखिए इस एसिनर सेल की संरचना के चारों तरफ पैनक्रियाज में एक और सेल होता है या कहिए सेल के कुछ गुच्छे जैसे होते जिन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस कहते हैं। यह आइलेट ऑफ लैंगरहांस मेनली 3 सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। एक होता है अल्फा सेल, दूसरा होता है बीटा सेल और एक होता है डेल्टा सेल जो कि आपस में एक ब्लड कैपिलरी द्वारा जुड़े रहते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहांस में इस अल्फा सेल का काम ये होता है कि ये ग्लूकागॉन हार्मोन का निर्माण करते हैं। इस ग्लूकागॉन हार्मोन का काम क्या होता है कि ये हमारे शरीर में जब भी हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है एनर्जी के लिए तो ये हमारे शरीर में पहले से स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो कि ग्लूकोज का एक स्टोर्ड फॉर्म होता है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड स्ट्रीम में बहा देते हैं। फिर इसी आइलेट ऑफ लैंगरहांस में बीटा सेल का काम ये होता है कि ये हमारे शरीर में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इंसुलिन सीक्रेट करता है और इंसुलिन का काम हमारे शरीर में ये होता है कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये इसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हमारे मसल्स में स्टोर करवा देता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है ग्लूकोज की तब ग्लूकागॉन इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। यानी ग्लूकागॉन और इंसुलिन का काम बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। डायबिटीज में भी तो यही होता है। डायबिटीज में व्यक्ति का पैनक्रियाज इंसुलिन बना नहीं पाता है जिसके कारण से शरीर में ब्लड शुगर एक्यूमुलेट होने लगता है और यूरिन के थ्रू शरीर से ग्लूकोज बहुत ज्यादा बाहर निकलने लगता है जिससे शरीर कमजोर होने लगता है। वही आइलेट ऑफ लैंगरहांस का तीसरा सेल सोमेटोस्टैटिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है जिसका काम इन अल्फा और बीटा सेल्स से इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन को इनहिबिट कराने में मदद करवाना है। देखिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस से जो भी
हार्मोन रिलीज होते हैं वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट होते हैं, जिसके कारण से अग्नाशय को एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होता है जो अपने हार्मोन को सीधे ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करते हैं। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि पैनक्रियाज एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन दोनों ही प्रकार का ग्लैंड है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है हमारा पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर और जरूर ही करना।